सरिता सुनो, जी तुम्हें तो पता ही है हालत कितनी खराब चल रही है हमारे पास। ना पैसा है ना नौकरी। अब तो नौकरी तो मेरी जाने वाली है, पता नहीं क्या करेंगे हम। सही कह रहे हैं आप, हालत सच में बहुत खराब है। कितने खर्चे हैं और ऊपर से बुलबुल की फीस, वो भी तो भरनी है अभी। तुम पागल पागल हो गई हो क्या? बुलबुल की फीस? यहाँ हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, मेरी नौकरी जा रही है, तुम्हें बुलबुल की फीस भरनी है? लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं होता कि बुलबुल की पढ़ाई बीच में छुड़वा देंगे, उसके भी तो अपने कुछ सपने हैं। तुम चुप रहो, पढ़ लिख के किसी का कुछ नहीं हुआ है। उसे बोलो नौकरी करे, घर में चार पैसे लाए, पढ़ लिख के कौन सा वो कलेक्टर बन जाएगी? मन तो बिल्कुल नहीं है, पर जैसे हालात है तो बोलना ही पड़ेगा उसे कि पढ़ाई छोड़कर कुछ काम करे ताकि घर में थोड़े पैसे आए हमारे लिए। हाँ, मैं बड़े बड़े साहब से पर्चा लेके आया था नौकरी के लिए, दे देना उसे। हाँ मैं समझा दूंगी उसे। ये क्या हो रहा है? जो पढ़ाई मैंने शुरू ही इसलिए की थी ताकि मैं माँ बाबा का सहारा बन सकूं, वही पढ़ाई अब मेरे और माँ बाबा के लिए बोझ बन चुकी है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इस पढ़ाई से अभी मैं उनको कष्ट के सिवाय कुछ नहीं दे सकती। मुझे अभी उनके साथ इस घर को चलाने में उनकी मदद करनी होगी, मुझे काम करना पड़ेगा। पढ़ाई तो होती रहेगी, अभी मुझे उनके आंसुओं का कारण नहीं उनकी खुशी की वजह बनना है। हेलो हेलो जी, मैं बुलबुल। ये पेपर में एड देखा था ब्यूटिशियन की जॉब के लिए। हाँ, जॉब है तो एक दो लोगों की जगह खाली है, आप देखते हैं तुम कर पाओगे कि नहीं। हाँ हाँ काका, मैं कर लूंगी। वो घर में कुछ ठीक सा नहीं चल रहा, माँ बाबा को पैसे की बहुत जरूरत है, मदद करते तो बड़ी मेहरबानी होगी। ज्यादा दिन नहीं, बस 6 महीने के लिए काम करना चाहती हूँ, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, जगह थोड़ी दूर है, इतनी दूर की तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। बाकी पैसे अच्छे मिल जाएंगे तुम्हें और घर संभल जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे माँ बाप से मैं बात कर लूँगा, मैं यहाँ अपने पूरी परिवार के साथ ही रहता हूँ, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। और शहर की नौकरी है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी तुम्हें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मदद कर दी आपने मेरी। कब से आ जाऊं मैं? हाँ ऐसा करो, तुम कल से काम पे आ जाओ। जी जी काका, कुछ हस्ताक्षर भी करने हैं क्या? अरे नहीं, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस अपना सामान पैक करो, बताए गए पते पर पहुंच जाना बस। जी जी काका, मैं तैयार रहूंगी। हेलो। हाँ काम हो गया, एक कॉल लड़के फंस गई, अब भी एक लड़के का फोन आता मुझे। हाँ करेगी ना काम, उसको बेचारे को घर पे जरूरत है पैसे की, एकदम से ये काम के लिए तो चिंता मत कर। हाँ मुझसे अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। मैंने चुपचाप रोज कूड़ा उठाया, भीख मांगी, यहां तक कि नौकरानी की तरह सारा घर का काम करा, पर रात सबसे डरावनी होती है। मैं अब और दवाइयां नहीं खा सकती, इतना दर्द होता है सुबह। मैं अब थक गई हूँ, पूरे शरीर में पता नहीं कैसे निशान है, लेकिन लेकिन अब बस मुझे घर वापस जाना है। मुझे माँ बाबा की बहुत याद आती है, उनकी मुस्कान देखनी है, उनके साथ रहकर पढ़ाई वापस शुरू करनी है। मुझे अब वापस जाना है, काका को बता देने का वक्त आ चुका है। काका, मैंने आपका सारा काम कर दिया है, बिना आवाज निकाले 6 महीने आपकी सारी बातें भी मानी हैं। अब आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए और घर वापस जाने दीजिए। घर वापस जाना है तुझे? मुझे बेवकूफ समझाए क्या? अब तू मेरे लिए काम करते हमेशा करते रहेगी, समझे? लेकिन काका, समझौता तो 6 महीने का हुआ था ना। तेरी वजह से इतना मुनाफा हो रहा है मुझे पता है, इतने साहब लोगों ने पैसे दिए तेरे लिए, तुझे ऐसे जाना है तू?
जब इन सब का निपट जाएगा ना तुझे के भेज दूंगा मैं। और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, घर वालों का पता है मेरे पास, एक एक को जिंदा ला दूंगा। आज फिर एक बच्चे ने अपनी मासूमियत खो दी। क्यों फिर आज एक घर ने अपनी रोशनी खो दी। कब तक सोते सच से मुंह फेरे रहेंगे, कब तक यूं ही अनजान से खोए रहेंगे हम। क्यों इंतजार है इन मासूम आंखों में खौफ नजर आए। क्या तलवारें फूलों पर जोर आजमाए, तब समझोगे कुछ गलत है। क्यों डर है कि वो आवाजें सहम जाए। क्या माँ की कोख में जागती जिंदगी भर आने से कतरा जाए, तब समझोगे कुछ गलत है। एक बार इत्मीनान से सोच के तो देखो, इन नासों का बहार तोल के तो देखो, एक बार खुद से सवाल करके तो देखो, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। Every 8 minutes a child in our country goes missing, yet only a mere 30% of these are reported, and only a 0.4% of them are identified and rescued. Human trafficking, the dark side of human beings that involve buying, selling and transporting of humans that never ceases. One question remains. What are we doing wrong? What do we do? What should we do? The modus operandi of these traffickers is fake promises. Now, if something seems too good to be true, be aware. Now, what to notice in the people around us? They might seem out of place. They might not have their identification documents with them. They might be following one or two people. Their answers might seem scripted and they might avoid eye contact. Now, if you suspect that someone might be a victim, please don't hold back. Come forward and report. To report, call or message to the numbers shown on the screen. And with this message, Team Drishti, signing off.